स्टूडेंट वेलकम बैक टू आर नेक्स्ट लेक्चर दिस इज ऑफ मटीरियल भी थोड़ा बहुत काम जो है तो बाकी है हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें की थी एक एंट्रीज किया था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किया था सारे के सारे बाउचर्स का सिस्टम किया था एक क्वेश्चन पढ़ा भी था लेकिन वो वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था तुम लोग को फॉर्मैट बनाना था फॉर थ्री साइड ओके okay, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया है सो लेट मी रीड दैट क्वेश्चन जस्ट वंस मोर फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं द फॉलोइंग आर द रिसीट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल्स इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग मार्च मार्च रिस ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स एट 25 पर यूनिट मार्च थर्ड इशूड सेवेंटी टू डिपार्टमेंट ए मार्च इशूड यूनिट्स तो ये ओपनिंग स्टॉक है ये इशूज है ये इशूज है ये भी इशूज है मार्च नाइन्थ ट्वेंटी यूनिट्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी सुनो 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 मैं क्या करता हूं आ, ये कल वाली ही फाइल है मेरी तो सुनो सरा, तुम लोग स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाते हो ठीक है स्टोर्स लेज़र अकाउंट ठीक है दिस इज समथिंग लाइक योर रॉ मटेरियल का वेयर हाउस ठीक है ये उसके ट्रांजैक्शंस जो भी हैं वो हम लोग पास करते हैं ठीक है इसने डब्ल्यू मतलब फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को गुड्स भेजा ठीक है गुड्स मतलब रॉ मटेरियल्स भेजा फैक्ट्री ए जो थी उसने बोला हमको मटेरियल चाहिए तो इन लोगों ने इश्यू कर दिया ठीक है इन लोगों ने इशू कर दिया यहां पर डब्ल्यू आई पी बी भी था ठीक है ये जो मटेरियल ए तक पहुंचा ना ये शायद थोड़ा सा ज्यादा पहुंच गया या फिर जो मटेरियल पहुंचा सुटेबल नहीं था इनको सुटेबल नहीं था लेकिन इनको चलेगा इन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया वैसे तभी आर एम ट्रांसफर फॉर्म आएगा ठीक है जब ए बी को ट्रांसफर करता है ना जरा सोचो ना एंट्री क्या होगा ऑब्वियसली दैट विल बी नथिंग बट बी अकाउंट डेबिट टू ए रिसीवर क्रेडिट द गिवर ठीक है दिस विल नॉट इम्पैक्ट यूर एस एल सी अकाउंट फॉर श्योर दिस विल नॉट इंपैक्ट यूर एस एल सी अकाउंट फॉर श्योर ऑलवेज का ट्रांजेक्शन होगा लेकिन हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर एस एल सी अकाउंट ही बनाने का है तो यहां पर लिख देना एंट्री विल बी डिपार्टमेंट बी

स्टोर्स किसको इशू करता है स्टोर्स इशू करता है टू द फैक्ट्री ओके तो फैक्ट्री को माल भेजा उनको अच्छा लगा रिटर्न कर दिया तो अगर फैक्ट्री ने स्टोर्स को रिटर्न कर दिया स्टोर्स के लिए स्टोर्स के लिए वो रिसीट है कि इशू है रिसीट है बेटा ठीक है आगे मार्च सिक्सटींथ इशूड वन एटी यूनिट्स ठीक है मार्च 20th रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स 240 यूनिट्स 24.75 ठीक है उसके बाद इशू 304 यूनिट्स मार्च 25th रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स 320 यूनिट्स 24.5 मार्च 26 इशू 112 यूनिट्स मार्च 27th रिटर्न टू स्टोर्स 12 यूनिट्स आउट ऑफ द इशू डेटेड 16th तो 16 तारीख को जो माल इशू किया था उसके से 12 यूनिट रिटर्न हो गए रिटर्न टू स्टोर्स

तो वो लोग यहां पर क्या बोलते हैं मैं ब्लू के अंदर मार्क करता हूं 15 तारीख को स्टॉक शॉर्टेज का पता चला कितने यूनिट्स यूनिट्स का 5. 27 तो का का और को भी स्टॉक शॉर्टेज पता चला कितने ठीक है हम लोगों ने ये सब एंट्रीज वगैरह तो करके रखा हुआ है लेकिन एक छोटा सा चीज मैंने शॉर्ट्स के अंदर नीचे लिख के रखा हुआ है ध्यान से सुनना जरा देख ट्वेंटी को ना दो ट्रांजैक्शन है एक ये वाला ट्रांजैक्शन माल वापस आया और एक स्टॉक शॉर्टेज का पता चला कितने यूनिट्स यूनिट्स। का 8 Now, which transaction are to be first? मैं तुमको वो बोला था पास द इन ऑर्डर ऑफ़ एक नॉर्मल चीज बोलता हूं यूजुअली स्टॉक शॉर्टेज का कभी पता चलेगा जब फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा फिजिकल वेरिफिकेशन यूजुअली कभी किया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन तब किया जाता है ठीक है क्योंकि अगर सपोज स्टॉक चेकर काउंट भी करता रहेगा और वेयर हाउस के अंदर से फैक्ट्री वाले लोग गुड्स भी निकालते रहेंगे तो वो काउंट कैसे करेगा सो काउंटिंग इज यूजुअली डन एट द एंड ऑफ एवरी डे यूजली ठीक है वाई आई टोल्ड यू दिस ट्वेंटी सेवन्थ को दो ट्रांजैक्शन है पहले ये वाला ट्रांजैक्शन पास करना और उसके बाद फिर वो जो स्टॉक शॉर्टेज वाला है वो वाला ट्रांजेक्शन पास करना ठीक है अभी तुम लोगों ने ऑलरेडी तुम्हारा फॉर्मेट वगैरह तो बना लिया था तो हम लोग स्टार्ट मेरे ख्याल से कर सकते हैं ओके सो इन दिस केस अस स्टार्ट विद द थिंग्स नाउ ठीक है

टू मेरे पास यहाँ पर जगह कम है इन पर्टिकुलर्स होप आप लोगों ने पर्टिकुलर्स थोड़ा सा वो बड़ा बनाया नहीं नहीं भी बनाया दैट्स ओके बेटा अच्छा ओपनिंग स्टॉक 500 यूनिट्स एट 25 पर यूनिट तो 500 यूनिट डायरेक्टली बैलेंस के अंदर ही डालना है एक सेकंड ना ये रिसीट्स इश्यूज मैनिकल बाय गॉड तीन बार गलत किया फिर रिसीट्स इश्यूज बैलेंस होता बेटा ये सॉरी 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 ठीक है तो 500 यूनिट्स रेट ऑफ 25 तो ये आ जाएगा 12500 ठीक है तो दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक एसर्च ठीक है अभी आगे चलते हैं पहले मार्च सेकंड की एंट्री फिर मार्च थर्ड की एंट्री इशूड 100 यूनिट्स टू डिपार्टमेंट बी तो जब भी आप यूनिट्स इशू करोगे टू द फैक्ट्री देखो तुम लोगों ने तो कल सारी की सारी एंट्रीज वगैरह भी मुझसे वो सीख ही ली थी आ... ये वाली एंट्री इश्यूज की इश्यूज की एंट्री बेटा क्या थी दैट वाज नथिंग बट डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू एस एल सी अकाउंट बेटा स्टोर से ए एक से बहुत आगे चला गया हां वेयर हाउस से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है किसको दे रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट बी मतलब प्रोसेस बी और कुछ नहीं ठीक है सो देअ फोर यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा प्रोसेस बी अकाउंट डेबिट टू तो एस एल सी अकाउंट ये एस एल सी अकाउंट है बेटा तो बस यहां पे लिख देना बाय डब्ल्यू आई पी बी बी बायूपी है ना हा कितना 100. अच्छा सामने क्या बोला था कौन सा मेथड फॉलो करने का है सामने बोला था कि फीफो मेथड फॉलो करने का है. अभी तक तो एक ही लॉट है वैसे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता हंड्रेड एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बच गया फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टेन थाउजेंड ठीक है यह वाला काम तुम्हारा हो गया उसके बाद टू डिपार्टमेंट ए सो देब्लू आई पी 70 so यूनिट्स e. ना तो चलो ठीक है रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव वन सेवन फाइव जीरो फोर हंड्रेड के अंदर से सेवेंटी निकल जाएगा थ्री थर्टी एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव तो कितना आ जाएगा एट टू फाइव जीरो आगे

मार्च नाइन ट्वेंटी ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी एज ए टोल्ड इस चीज का एंट्री होगा बट एंट्री विल नॉट अफेक्ट एस एल सी अकाउंट तो छोड़ दो ठीक है हम लोग तो एस एल सी अकाउंट बना रहे हैं रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड मेरे को वो चीज लिखना चाहिए था आई फॉरगॉट क्या करो यहां पर ना एक ही बार बस कॉमन लिख देना ताकि तुम लोग को याद रहे यहां पे कौन सा वाउचर आ जाएगा बेटा आर एम इशू फॉर्म आई शुड हैव रिटर्न इट बिफोर ओनली बिलो द लाइन बट दैट्स ओके तो नेक्स्ट टाइम विल बी स्लाइटली केयरफुल ठीक है चलो अभी आ, मार्च थर्टींथ ये जो वाउचर का नाम मैं लिख रहा हूं ना ये कल मैंने तुम लोग को डायग्राम के अंदर बताया था ठीक है ये कंपलसरी नहीं है लिखना मैं लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को याद रहे एग्जाम्स के मत लिखना एग्जाम के लिखना तुमको सिर्फ पर्टिकुलर्स के ना एंट्री लिखने का है तो मार्च नाइन्थ हो गया मार्च थर्टीन रिसीव फ्रॉम सप्लाइस टू हंड्रेड यूनिट एट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ये कौन सी तारीख है बेटा थर्टीन अच्छा जब भी आप परचेस करोगे रॉ मटेरियल्स अंदर आएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी एस एल सी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स तो यहां पे आ जाएगा टू क्रेडिटर्स ठीक है अच्छा इसके लिए तुम्हारे वाउचर क्या क्या होते हैं परचेजेस के लिए तीन वाउचर होते हैं कौन से तीन वाउचर होते हैं बेटा बोलो 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 एक तुम्हारा आरएम सॉरी एक तुम्हारा होता है परचेज रिक्वायरिसिशन फॉर्म जो सबसे पहले आता है फिर उसके बाद होता है तुम्हारा जीआर नोट जो जीआर डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा और उसके बाद यहां पे आ जाता है इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर ठीक है अच्छा कितना यूनिट्स मिला बेटा कितना यूनिट्स परचेज किया 200 at 24.5 4900 ठीक है अभी आपके पास दो लॉट हो जाएंगे ये FIFO मेथड है हैं 250 25 6250 और जो अभी लॉट खरीदा 224.5 4900 ठीक है अभी एक काम करेंगे जो मैंने बोला था लाइंस ड्रॉ कर दो बेटा हर डेट के बाद ना क्योंकि ये सम बड़ा है बाद में थोड़ा सा नीट लगे ताकि तुमको रिविजन के लिए दिक्कत ना हो ठीक है चलो ये वाला काम हो गया उसके बाद ये वाली एंट्री इस सुपर इंपॉर्टेंट एंट्री है सुपर इंपॉर्टेंट तुमको अभी नहीं पता चलेगा क्यों मैं बाद में बोलूंगा मैंने शॉर्ट्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर लिखा हुआ है मार्च फोर्टीन रिटर्न टू स्टोर्स हम लोग स्टोर्स ही है बेटा अपने को गुड्स वापस आ रहा है फिफ्टीन यूनिट एट दी 24 मार्च फोर्टीन तो हम लोगों ने कोई डिपार्टमेंट को माल इशू किया रहेगा कौन से डिपार्टमेंट को पता नहीं वो लोग अपने को वापस भेज रहे हैं वो लोग अपने एक जब हम लोग इशू करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है डब्ल्यू आईपी टू एस एल सी अभी वो लोग वापस भेज रहे है। तो एंट्री क्या होगी बोलो 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 एस एल सी अकाउंट डेबिट क्योंकि माल अंदर आ रहा है एस एल सी अकाउंट डेबिट दिस केस टू डब्ल्यू आई पी फिफ्टीन यूनिट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फोर तो ये वाला चीज कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड एंड सिक्स इज एट ओके नाउ वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है ध्यान से बराबर से सुनना जो मैं तुम लोग को बोलने वाला हूं देखो ये वाला जो रेट होता है ना ये वाला जो रेट होता है जरा अपनी कल एंट्रीज याद करो हम लोग फैक्ट्री को इशू करते हैं फैक्ट्री को अच्छा लगा तो कंज्यूम करो नहीं अच्छा लगा तो वापस कर दो जब वापस करोगे वी विल टेक बैक द गुड्स एट द सेम रेट एज वी हैड टू तो दिखाई नहीं देता इधर किधर भी ट्वेंटी फोर तो नहीं दिखाई देता अगर किधर भी 24 नहीं दिखाई देता उसका ऑब्वियस मतलब क्या है इट मस्ट द लास्ट पीरियड क्योंकि वी टेक बैक द गुड्स एट द सेम रेट एट विच वीड इशूर इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे ट्वेंटी फोर तो नहीं है ठीक है तो वी मस्ट हैव इशूड इन द लास्ट पीरियड ठीक है और इशू करने से पहले मैंने कभी ना कभी खरीदा भी तो होगा एट ट्वेंटी फोर ठीक है तो एक चीज तो पक्का है ये जो चौबीस रुपए वाला लॉट है ना वो इस लॉट से तो पहले ही खरीदा गया था ये तो एक दिन पहले खरीदा है ये तो एक दिन पहले खरीदा है ये वाला जो स्टॉक है ओके okay, ये तो एक दिन पहले खरीदा है। जो 24 वाला लॉट है ना अभी तो ये इशू रिटर्न लाइन बोलता हूं थ्री थिंग्स विल ऑलवेज हैपन इन द सेम ऑर्डर ऑर्डर यू चेंज दिस दुनिया में सबसे पहले परचेजेस होगा फिर उसके बाद इशू होगा फिर उसके बाद इशू रिटर्न होगा बेटा जब तक इशू नहीं किया इशू रिटर्न कैसे होगा जब तक परचेज नहीं किया तब तक इशू कैसे होगा सो so, दिस मस्ट है लेकिन किधर भी ट्वेंटी फोर नहीं दिखाई दे रहा सो मस्ट है प्रीवियस पीरियड और इशू करने से पहले इन द प्रीवियस पीरियड इट मस्ट है रेट ऑफ ट्वेंटी फोर एंड वन मोर थिंग बस अभी यह फाइनल चीज है ध्यान से अक्का लगा के सुनो तो डेफिनेटली दिस ट्वेंटी फोर वाला लॉट वॉज परचेज बिफोर दिस ये तो एक दिन का पहले का परचेज है वो तो पिछले महीने के ना परचेज हुआ रहेगा एंड इट मस्ट हैव बीन परचेज बिफोर द लॉट ऑफ 25 आल्सो क्यों बिकॉज यू आर फॉलोइंग फीफो मेथड फीफो मेथड अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम्हारे बैलेंस के अंदर हमेशा लेटेस्ट लॉट रहता है अगर ट्वेंटी वाला लॉट 25 वाले लॉट के बाद खरीदा होता तो बैलेंस के अंदर वो वाला चीज दिखाई देता तुमको समझा तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बी अभी क्वेश्चन के अंदर तीन लॉट हो गए वन जो अभी, अभी शुरू में था ट्राइंग टू कन्विंस लॉट ऑफ ट्वेंटी फोर मस्ट है इससे पहले खरीदा ही गया है और इससे भी पहले खरीदा गया ही होगा क्योंकि अगर ट्वेंटी फाइव रुपीज वाला लॉट जो है पहले खरीदा गया रहता ट्वेंटी फोर वाला लॉट बाद में खरीदा गया रहता तो बैलेंस के क्या ट्वेंटी ना इतना सब कुछ मैंने तुम लोगों को क्यों बोला ताकि तुमको स्ट्राइक हो जब आप बैलेंस लिखोगे ना तो ये वाला चीज सबसे पहले लिखने का यू हैव टू राइट द बैलेंस एज पर ओरिजिनल परचेज डेट वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट जो दुनिया में पहले परचेज किया वो दुनिया से पहले जाएगा तो ये वाला जो चीज है ये सबसे पहले खरीदा गया रहेगा ओके तो वो सबसे जल्दी बाहर तब जाएगा जब आप उसको बैलेंस के अंदर फर्स्ट लिखोगे 15 24 360 और यहां पे लिख लेना रेफर शॉर्ट्स दिस इज इंपॉर्टेंट ये यूजुअली किसी को स्ट्राइक भी नहीं होता कि ऐसा ही होना चाहिए लेकिन ऐसा ही होना चाहिए इट शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ ठीक है बस उसके बाद ये बाकी दोनों चीजें आप लोग लिख सकते हो ट्वेंटी फाइव सॉरी टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव सिक्स टू फाइव जीरो टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है चलो ये वाला तुम्हारा काम हो गया अभी फिफ्टींथ को जरा सोचो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड मैंने वाउचर का नाम नहीं लिखा वो लिख देता हूं आ, अपना डायग्राम याद करो इश्यू रिटर्न्स जब होएगा तो डायग्राम दिखा दूं अगर भूल जाता तो तो हम लोग इश्यू किया गुड्स वापस आ गया अगर गुड्स वापस आया तो कौन सा फॉर्म जनरेट होता है आर एम रिटर्न मेमो तो यहां पे लिखना आर एम रिटर्न मेमो एग्जाम्स के अंदर नॉट कंपलसरी लेकिन यहां पे लिख देना कई लोग ना वाउचर का एक अलग से कॉलम भी बना लेता है दे कीप ऑन राइटिंग द वाउचर्स वैसे करने का है तो वो भी कर सकते हो ऑल दो एग्जाम के अंदर सॉरी uh, इस क्वेश्चन के अंदर तो पूछा भी नहीं है करो बट स्टिल आगे उसके बाद फिफ्टीन को एक ट्रांजेक्शन था मैंने इसलिए एस्ट्रिक मार के रखा हुआ था फिजिकल वेरिफिकेशन रिवील दैट ऑन देर वॉज अ स्टॉक शॉर्टेज ऑफ फाइव यूनिट देर वॉज शॉर्टेज ऑफ फाइव यूनिट्स तो जब भी स्टॉक शॉर्टेज होता है तभी एंट्री क्या होती है जरा याद करो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट या फिर उसको कॉस्टिंग पी एन एल अकाउंट भी कर सकते हो या फिर उसको सस्पेंस अकाउंट भी कर सकते हो उसके लिए अपना वाउचर क्या जनरेट होता है दैट कॉल्ड डिस्क्रिपेंसी फॉर्म अच्छा कितने यूनिट्स का स्टॉक शॉर्टेज का पता चला बेटा फाइव तो ऐसा सोचो फाइव यूनिट्स गुम हो गए ना मतलब फाइव यूनिट्स बाहर चले गए ऐसा सोचो फाइव यूनिट्स इशू हो गए अगर फाइव यूनिट्स इशू होते तो रेट कैसे डिसाइड होता तो फीफो लीफो से सो so, फाइव यूनिट्स विल बी इशूड एज पर फीफो मेथड क्योंकि अपना मेथड जो है वो फीफो है अगर लीफो होता तो लीफो के हिसाब से अभी फीफो है तो ऑब्वियसली फाइव यूनिट वेट या ट्वेंटी फोर ये बड़ा चीज कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फिफ्टीन के अंदर से फाइव यूनिट्स वो चले गए तो बच कितने गए टेन एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फोर टू फोर्टी और बाकी दोनों मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ट्वेंटी टू फिफ्टी ट्वेंटी फाइव सिक्स टू फाइव जीरो उसके बाद टू हंड्रेड 24.5 फोर पॉइंट फाइव फोर ये वाला जो आपका काम है ये अपना काम जो है वो हो गया दिस वर्क इज डन आगे उसके बाद इशूड 180 एट्टी यूनिट इशूड वन एट्टी यूनिट्स तो यहां पर सिक्सटीन uh, जब इशूड 180 एट्टी यूनिट्स आएगा तो जब इशू होता है उन लोगों ने ये नहीं लिखा कौन से डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट ए बी सी वगैरह सो आई एम जस्ट राइटिंग बाय डब्ल्यू आई पी इशू होता है तो एंट्रीज डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू एस नो अच्छा कितना यूनिट्स इशू हुआ है बेटा 180 एट्टी यूनिट्स वन बोले तो 10 यहां से निकल जाएगा और 170 सेवेंटी यहां से निकल जाएगा एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फोर एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव ये आ जाएगा टू फोर्टी और ये वाला काम वन सेवेंटी इंटू ट्वेंटी फाइव फोर टू फाइव जीरो तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि वो इशू हो गया इसके ऐसे वन सेवेंटी चला गया तो बच कितना गया बेटा एट्टी एट्टी ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड होना चाहिए टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड अच्छा सुनो एक और चीज जब भी इशू होता है तभी वाउचर क्या आता है बेटा यहां पर भी लिखा था आर एम इशू फॉर्म तो यहां पे आर एम इशू फॉर्म ठीक है चलो उसके बाद सिक्सटींथ का ट्रांजेक्शन खत्म हो गए उसके बाद सेवनटीन सेवनटीन जो आपका है एक मिनट सेवनटीन को कोई ट्रांजेक्शन नहीं है मैं कौन से सपनों के अंदर हूं इसके बाद ट्रांजेक्शन ट्वेंटी तारीख को है रिसीव फ्रॉम सप्लाई 240 फोर्टी at एट ट्वेंटी एक छोटा सा चीज अगर यहां पे ऐसा होता ना ऑर्डर्ड 240 हंड्रेड एंड फोर्टी यूनिट ठीक है ऑर्डर 240 हंड्रेड एंड फोर्टी और फिर तीन या चार दिन के बाद एक और ट्रांजेक्शन होता है received द units ठीक है तो याद रखना एंट्री फॉर परचेज इज पास वेन यू हैव थ्री वाउचर्स विद यू कौन सा थ्री वाउचर्स परचेज रिक्वेजिशन फ्रॉम जी आर नो एंड इनवाइस फ्रॉम दप्लायर ठीक है यूजली सप्लायर्स इनवाइस पहले ही रेस कर देते हैं जब भी ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हो लेकिन जी आर नो तभी प्रिपेयर हो सकता है वेन यू फिजिकली गेट द गुड्स तो एंट्री शुड बी पास वेन एव यू फिजिकली गेट द गुड्स ठीक है इन दिस पर्टिकुलर केस रिसीव फ्रॉम सप्लाय 240 फोर्टी यूनिट एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ये अभी तो रिसीव डी है यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्री नहीं है कि ऑर्डर गुड्स तो परचेज करेगा सो एंट्री विल बी एस एल सी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स यहाँ पे तीन वाउचर्स होते हैं कौन से तीन वाउचर्स परचेज रिक्विजिशन फॉर्म पहले भी लिखा था जी आर नोट पहले भी लिखा था इन वॉयस फ्रॉम द सप्लायर वो पहले भी लिखा था ठीक है अच्छा कितने यूनिट्स रिसीव हुए बेटा 240 फोर्टी एट वट रेट ट्वेंटी तो 240 फोर्टी इंटू दिस इज 5940 ठीक है अभी बैलेंस ना तीन लॉट आ जाएंगे 80 25 2000 टू और ये टू फोर्टी ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव फाइव नाइन फोर जीरो ठीक है चलो तुम्हारा जो ये वाला काम है दिस इज ऑल्सो डन कंप्लीटली ठीक है ये वाला भी जो काम है तुम्हारा हो गया फिर उसके बाद आ, उसके बाद नेक्स्ट तारीख ट्वेंटी फोर्थ को इशूड एक मिनट मैंने इतना अंडरलाइन कर लिया मेरे को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है हाँ इशूड थ्री हंड्रेड एंड फोर यूनिट्स ठीक है सो इशूड थ्री हंड्रेड एंड फोर यूनिट्स ट्वेंटी फोर्थ है ना ये एक सेकेंड ना हाँ ट्वेंटी फोर्थ इशूड तो इशूड मतलब इशू टू द फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब डब्ल्यू तो एंट्री विल बी डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू तो एस एस सी तो बाई डब्ल्यू तभी जो वाउचर जनरेट होगा वो कौन सा जनरेट हो जाएगा आर एम इशू फॉर्म अच्छा कितना यूनिट है बेटा थ्री हंड्रेड एंड फोर तो वेट करेंगे ये दोनों तो निकल जाएगा एट्टी ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड सॉरी टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव फोर्टी नाइन हंड्रेड अच्छा ये कितना हो गया बेटा टू एट्टी हो गया थ्री हंड्रेड एंड फोर इशू हुआ तो ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर और इसके अंदर से आ जाएगा एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव फाइव फोर अच्छा तो बैलेंस के अंदर मेरे ख्याल से ये निकल गया ये निकल गया लास्ट के ऐसे ट्वेंटी फोर निकल गया टू वन सिक्स बच गया एट ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव फाइव थ्री फोर सिक्स सेकेंड हा ठीक है चलो ये वाला काम भी तुम्हारा हो गया ठीक है दिस थिंग इज ऑल ट्वेंटी फोर्थ हो गया अभी आगे चलें रिसीव फ्रॉम सप्लाई थ्री ट्वेंटी यूनिट्स एट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव ट्वेंटी फिफ्थ की एंट्री है तो एंट्री आ जाएगी टू क्रेडिटर्स ठीक है वाउचर्स के अंदर वही तीन वाउचर्स का नाम लिखो परचेज रेक्वेजेशन फॉर्म जी आर नोट एंड इन वॉइस ठीक है अच्छा कितना यूनिट्स रिसीव हुआ बेटा थ्री ट्वेंटी एट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव तो थ्री ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन एट फोर जीरो तो अभी तुम्हारे पास दो लॉट हो गए टू वन सिक्स ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव फाइव थ्री फोर सिक्स और एक जो अभी अभी आया थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव जीरो सेवन एट फोर जीरो ठीक है आगे इशूड हंड्रेड एंड ट्वेल्व यूनिट्स तो इसके अंदर से हंड्रेड एंड ट्वेल्व इशू कर देंगे तो इशू का एंट्री डब्ल्यू आई पी अकाउंट डेबिट टू एस एल सी तो जब इशू करेंगे इट विल बी आर एम इशू फॉर्म कितना यूनिट्स मैं भूल जाता हूं हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो इशू करो ऑब्वियसली इस लॉट के अंदर से ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव वन वन टू इंटू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव टू सेवन सेवन टू तो टू वन सिक्स के अंदर से वन वन टू निकल गया वन जीरो फोर बच गया एंड ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव टू फाइव सेवन फोर और एक तुम्हारा थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन एट फोर जीरो ठीक है चलो ये वाला काम तुम्हारा हो गया आगे चलें सुनो ये वाला मैं निकाल देता हूं ताकि कंटिन्यूशन नहीं लगे तुम्हारे पेज पे हेडिंग दे दो मेरे को वैसा करने की जरूरत नहीं है चलो ट्वेंटी सिक्स हो गया अभी ट्वेंटी सेवेंथ डेंजरस ट्वेंटी सेवेंथ को दो ट्रांजैक्शन है दोनों कहने से कौन सा ट्रांजैक्शन पहले आएगा रिटर्न टू स्टोर्स वाला ठीक है आउट ऑफ द इशू डेटेड सिक्सटीन तो ट्वेंटी को मटीरियल वापिस आ रहा है स्टोर्स के अंदर तो स्टोर्स ने किसको इशू किया था फैक्ट्री को फैक्ट्री मतलब डब्ल्यू आईपी तो जब इशू किया था तभी एंट्री क्या होता है डब्ल्यू आईपी अकाउंट डेबिट टू एस एलसी अभी रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा एस एलसी टू डब्ल्यू आई पी ठीक है और उसका वाउचर क्या होता है हम लोगों ने पहले भी लिखा था आर एम रिटर्न मेमो क्या होता है रिटर्न मेमो अगर तुम लोगों ने तुम्हारा होमवर्क बराबर से किया था जो मैंने तुमको बोला था कि वो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन वो लिखो तो तुम लोगों को ये सब कुछ याद भी हुआ रहेगा ठीक है, है? सुनो अभी जो मैंने तुमको पहले एक ट्रांजेक्शन के लिए बोला था जब रिटर्न हुआ था बैलेंस लिखते वक्त बी केयरफुल अभी बी वेरी केयरफुल देखो कितना यूनिट वापिस आया है बेटा ट्वेल्व यूनिट्स आउट ऑफ द इश्यू डेटेड सिक्सटीन ठीक है सुनो आउट ऑफ द इशू डेटेड सिक्सटीन लेकिन टोटली वन एट्टी यूनिट इशू किया था उसके से कितने यूनिट्स वापस आगे ट्वेल्व अभी यहां पर ना प्लीज याद रखना issues, डज नॉट to receipts, तो तुम लोग ट्वेल्व यूनिट्स किधर से भी निकाल सकते हो कि बोलते सर किधर से भी मैं तुमको ऑप्शन देता हूं सारे के सारे बारह इधर से लेकिन बारह इधर से कैसे आएगा अगर आप दस इधर से लोगे तो दो इधर से होगा आप छ इधर से ले लो इधर से ले लो सर मैं विचित्र काम करूं नौ इधर से तीन इधर से करो तुमको जो करने का है कर सकते हो यू हैव टू बी राइटिंग अ नोट फॉर दैट आई विल डू द इजिएस्ट ऑप्शन यू कैन टेल मी व्हाट इजिएस्ट ऑप्शन आई शुड बी डूइंग सर सारा का सारा बारह आप इधर से ही वो ले लो तो चलो ठीक है सो दे इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे ट्वेल्व यूनिट्स ट्वेंटी थ्री हंड्रेड क्या करो इसके ऊपर एक एस्ट्रिक डालो मेरे को तकरीबन एक और साइड शायद मैक्सिमम लगे टू कंप्लीट इट ऑप्श अगर तुम्हारा एक साइड यहां पे वेस्ट हो जाएगा तो आई एम रियली सॉरी तो एक काम जरा करो यहां पर एक एस्ट्रिक डालना इनफैक्ट uh, यहां पर एक सेकेंड ट्वेंटी फाइव पर एक एस्ट्रिक डाल दो विल बी be बेटर तो उधर एस्ट्रिक डालो और एक साइड के बाद अप्रोक्सीमेटली ओके okay, एक और एस्ट्रिक डालो एंड राइट डाउन वी इशूड 180 यूनिट्स ऑन 16th ऑफ मार्च वी इशूड वन यूनिट्स ऑन 16th ऑफ मार्च फुल शॉप आउट ऑफ दैट Twelve units are returned. Full stop. We can take twelve units out of any lot. Full stop. We have taken it out of. व टेकन एट आउट ऑफ लॉट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पर यूनिट अच्छा सुनो अभी बैलेंस की बात आ गई पोपट मत करना अपना बैलेंस के अंदर मेरे को बोलो सबसे पहले कौन सा वाला लॉट लिखो सबसे पहले कौन सा वाला लॉट लिखो मेरे ख्याल से ये 25 वाला लॉट ही पहले लिखना चाहिए मेरा रीजन कुछ ऐसा है दिस 25 वाला लॉट ओरिजिनली वाज देयर इन द ओपनिंग स्टॉक ओनली बेटा ये 25 वाला लॉट ओरिजिनली ओपनिंग स्टॉक के अंदर ही था तो 24.75 वाला जो लॉट है वो तो 20 तारीख को खरीदा 24.5 वाला लॉट तो 25 तारीख को खरीदा तो पक्की बात है ये सबसे पहले वाला लॉट था अगर सबसे पहले वाला लॉट था तो आप इसको सबसे पहले लिखो सो ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव थ्री हंड्रेड और फिर कॉपी पेस्ट कर लो ऊपर वाले दो लॉट कॉपी कर लो और यहां पर आप लोग लिख देना रेफर शॉर्ट्स जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन वो पहले का शॉर्ट्स के अंदर दिया है यहां पर भी दिया है और मैंने शॉर्ट्स के ना एक और चीज भी लिखी हुई है कि ट्वेंटी सेवन तारीख को दो ट्रांजेक्शन के अंदर से हम लोग ये वाला ट्रांजेक्शन पहले क्यों करते हैं और जो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन है वो बाद में क्यों करते हैं ठीक है चलो ये वाला काम अपना हो गया अभी ट्वेंटी सेवन को एक और ट्रांजेक्शन था तो उस पर आ जाते हैं ट्वेंटी सेवन को फिजिकल इंस्पेक्शन किया तो पता चला एट यूनिट्स मिसिंग है ठीक है तो, तो दैट इज स्टॉक शॉर्टेज स्टॉक शॉर्टेज का एंट्री क्या होता है बाय एबनॉर्मल लॉस या कॉस्टिंग पीएनएल एन या सस्पेंस अकाउंट ठीक है इसके लिए वाउचर जो जनरेट होता है उसका नाम क्या होता है मटेरियल डिस्क्रिपेंसी फॉर्म ठीक है अच्छा कितने यूनिट्स का स्टॉक शॉर्टेज था बेटा एट तो ऐसा सोच कि तूने यूनिट्स इशू कर दिया अगर एट यूनिट्स इशू किया तो तेरा रेट कैसे डिसाइड होता है फीफो फीफोलिफो से तो यहां पर भी रेट कैसे डिसाइड होगा फीफो फीफोलीफो से तो फीफो के हिसाब से ट्वेंटी पर आ जाएगा तो यह आ जाएगा टू ठीक है तो बच गया इसके ऐसे आठ निकल गया ना तो चार बच गया एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वन जीरो फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव टू फाइव सेवन फोर थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन एट फोर जीरो चलो ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया ट्वेंटी इज ऑल टूगेदर डन उसके बाद ट्वेंटी एट रिसीव फ्रॉम सप्लाइज हंड्रेड यूनिट्स एट ट्वेंटी फाइव Receive फ्रॉम सप्लायर्स हंड्रेड यूनिट्स एट ट्वेंटी फाइव तो रिसीव फ्राम सप्लायर्स मतलब परचेस कर रहे हैं सो देर फोर टू क्रेडिटर्स ठीक है अच्छा टू क्रेडिटर्स तो हंड्रेड यूनिट्स एट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स एट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड यूनिट्स ही था ना बस हाँ सो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहाँ पे तुम्हारे तीन वाउचर आ जाते हैं मैं जानबूझ के हमेशा लिखता हूं ताकि तुम लोग भी लिखो मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं बट आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट परचेज रिक्वेजिशन फॉर्म जी आर नोट और उसके बाद इन वॉइस ठीक है बस अभी बैलेंस के अंदर यहाँ पे चार चीजें रह जाएंगी मेरे ख्याल से फोर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड वन जीरो फोर ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फाइव टू फाइव सेवन फोर थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवन एट फोर जीरो और अभी वाला जो परचेज किया हंड्रेड ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक छोटा सा चीज़ एक बार किसने वो पूछा था एल से दैट सर इसको और इसको मर्ज कर सकते हैं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये एक के नीचे एक नहीं है एक के नीचे एक होता तो अलग बात है अगर ये वाला चीज़ यहां पर होता ना तो अलग बात है वरना इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं बेटा वो अलग अलग चीज़ें हैं ठीक है थीके? चलो जॉब इज डन बस लास्ट डे का जो स्टॉक है ना अगर एक से ज्यादा लॉट हो ना तो एडअप करके दिखा दिया करो वन जीरो फोर प्लस फोर फाइव ट्वेंटी एट हंड्रेड प्लस टू फाइव सेवन फोर प्लस सेवन एट फोर जीरो प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन थ्री जीरो दिस इज एंड ऑफ योर एंटायर थिंग ठीक है अगर ज्यादा साइड्स के लिए मैंने बनवा लिया था तो आई एम सॉरी you <laughs> तो इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स पर आता हूं अभी ये वाला जो तुम्हारा फर्स्ट शॉर्ट है इट्स ऑल लोगों ने फोर्टीन को वो वाला फर्स्ट क्यों रिकॉर्ड किया फुल एक्सप्लेनेशन इधर दिया है 27th को भी सेम लॉजिक विल अप्लाई कि वो वाला चीज हम लोग फर्स्ट रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस के अंदर और थर्ड ट्वेंटी सेवंथ को दो ट्रांजेक्शन था वो जो स्टॉक शॉर्टेज वाला है दैट शुड बी द सेकंड ट्रांजेक्शन ठीक है तो ऑल द थिंग्स आर प्रिंटेड इन द यू ऑल कैन गो थ्रू ठीक है फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क इंश्योर दैट यू विल डू दैट उसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जहां पे ईच एंड एवरी कंसेप्ट जो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर के अंदर किया है सब आ जाएगा वंडरफुल क्वेश्चन ओके पढ़िए सर आप प्लीज अर्नर्व इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस इट फॉलोज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड अंडरलाइन कर लेना वेटेड एवरेज मेथड है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉलोइंग फॉलो डेट ऑफ द कॉम्पोनेट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन परचेज ऑर्डर जीरो जीरो एट वो बस एक नंबर है ठीक है उसका अपने को ज्यादा कुछ करने का नहीं है दस हजार यूनिट का ऑर्डर दिया था परचेज ऑर्डर जीरो दस हजार यूनिट का ऑर्डर दिया था इसके पंद्रह दिन के बाद ठीक है ओपनिंग स्टॉक थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहां से ना फर्स्ट ड्रांड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का डेटा स्टार्ट हो रहा है एक लाइन मेरी तरह अगर वो मारना हो तो मार देना आ, जी आर नोट ये देखो जी आर एन बोले तो जी आर नोट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर 008 तो ये वाला जो 008 था ना ओके ये इस दिन पर डिलीवर हुआ जी आर नोट तो तभी जनरेट होगा पिछले क्वेश्चन के मैंने बोला एंट्री शुड बी पास व्हेन यू फिजिकली गेट द गुड्स और फिजिकली गुड्स मिलेगा तो ही जी आर नोट प्रिपेयर होगा तो ये दस हजार यूनिट वाला जो एंट्री है ना बेटा एक तो इसका रेट नाइन नाइन थ्री जीरो है ठीक है ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो इन दिस केस यहां पर टेन थाउजेंड आगे मटीरियल एक मिनट एम आर नोट मटीरियल रिटर्न नोट ठीक है तो यू आर रिटर्निंग द गुड्स आई थिंक ये वो वाला वो बाउचर होगा तो 500 हंड्रेड यूनिट्स रिटर्न कर दिया उसके अंदर से फिर मटीरियल रिक्वजिशन जीरो वन वन परचेज ऑर्डर नंबर जीरो वन जीरो ठीक है उसके बाद मटीरियल रिक्वजिशन नंबर जीरो वन टू गुड्स रिसीव्ड एक सेकेंड ना ये वाला गुड्स इस दिन डिलीवर हुआ जीरो जीरो नाइन वाला गुड्स इस दिन डिलीवर हुआ एक छोटा सा चीज जब भी हम लोग गुड्स का ऑर्डर देते हैं ना हम लोग दस हजार यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं वो शायद तुम्हारा ईओ क्यू या आर ओ क्यू हो ठीक है उसके बाद एम आर एन मटीरियल रिटर्न नोट अभी अपने को उसका फुल फॉर्म वो मालूम है फोर हंड्रेड यूनिट्स अच्छा जी आर नोट हाँ ठीक है आगे मटीरियल रिक्विजिशन जीरो वन थ्री मटीरियल रिक्विजिशन जीरो वन फोर जी आर एन जीरो वन जीरो अगेंस्ट परचेज ऑर्डर जीरो तो ये वाला जो चीज है ना एक सेकेंड ना परचेज ऑर्डर जो ट्रांजेक्शन है वो इधर है मतलब ऑर्डर किया था इस दिन पे माल आया इस दिन पे बट हिल रेक्वेजेशन जीरो जीरो जी आर एन का फुल फॉर्म दिया हुआ है एम आर एन का फुल फॉर्म दिया हुआ है बेस्ड ऑनव डेटा कैलकुलेट प्रिपेयर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट एस एल सी अकाउंट बनाने का मंथ ऑफ जैन जो तुम्हारा इशूड होता है वो कंजम्शन ही होता है ना बेटा तेरा तो वो तुमको एस एल सी अकाउंट का ही टोटल मारेंगे ना अपने को मिल जाएगा ठीक है उसका री ऑर्डर लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल एंड इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इन्वेंट्री मतलब पूरा समझो है वो रॉ मटेरियल के बारे में ही है सो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो फॉर रॉ मटीरियल उसका फॉर्मुला बेटा क्या होता है इट इज रॉ मटीरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोगों ने जो करके रखा हुआ है ठीक है तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन क्योंकि ऐसा कोई पूछ सकता है सर आर ओ एल के लिए मैक्सिमम कंजम्शन तो दिया ही नहीं सर मैक्सिमम लीड टाइम तो दिया ही नहीं सर बराबर है वो सब कुछ नहीं दिया अक्कल यूज करेंगे वी विल ट्राई टू गेट ऑल द थिंग्स और क्या ठीक है तो स्टार्ट करते हैं चलो हेडिंग uh, दो आप लोग पार्ट फर्स्ट स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर जैन 2022 ब्रैकेट में लिख देना वैम वेर एवरेज मेथड स्टोर लेज़र कंट्रोल अकाउंट फॉर जैन 2022 ब्रैकेट में वैम ठीक है सुनो ऐसा एक साइड का अकाउंट बनाओ जैसे पहले भी बनाया था ओके ये तो मैंने कॉपी पेस्ट ही किया चलो ओके एक बार वो बन जाए देन यू ऑल कैन रीस्टार्ट अगेन ठीक है पॉज कर लो इस वक्त मेक द थिंग्स एंड देन रीस्टार्ट एक साइड का बना लेना दैट्स चलो बन गया स्टार्ट कर देते तो दिस इज जैन 22 टू यहां पर एक ही बार लिख रहा हूं जैन 22 ठीक है चलो स्टार्ट कर लेते हैं देखो ये जो दोनों ट्रांजेक्शन है ना 15 दिसंबर 2021 30 थर्टी दिसंबर 2021 अपने को वैसे भी एस अकाउंट बनाना है फॉर जैन 2022 ये पिछले पीरियड का डेटा है ठीक है डेटा क्यों दिया हुआ है तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा अभी के लिए बरी करने की कोई जरूरत नहीं है तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांजेक्शन फ्रॉम हियर वैसे भी जरा याद रखना जब ऑर्डर करते हो तब परचेजेस का एंट्री नहीं पास करते हो जब गुड्स मिलता है तब परचेजेस के एंट्री पास करते हो ठीक है तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा तो यहां पे जैन फर्स्ट ना एक मिनट ब्लैक के अंदर लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन थाउजेंड रेट नाइन अभी बड़े बड़े नंबर आने वाले हैं तुम लोग छोटा छोटा लिखो 3500 थाउजेंड फाइव इंटू नाइन एट वन जीरो बाई गॉड थ्री फोर थ्री थ्री फाइव जीरो 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 ठीक है ये हो गया तुम्हारा थ्री फोर थ्री थ्री फाइव ट्रिपल जीरो ठीक है ये वाला फिगर हो गया अभी आगे चलें सेकंड अच्छा गुड्स रिसीविंग नोट इट इज वेटेड एवरेज मेथड ना याद रखना तो एंट्री पास करेंगे तो गुड्स रिसीविंग नोट ये वाला जो स्टॉक हम लोगों ने ऑर्डर किया था ना ये इस तारीख पर आ गया टाइम पास के लिए अगर एक चीज तुमको बोलने के लिए जाऊं तो डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस नो विल बी गिविंग यू लीड टाइम ठीक है विल बी गिविंग यू लीड टाइम कितना यूनिट्स टेन थाउजेंड एट वॉट रेट वी एट ऑर्डर नाइन नाइन थ्री जीरो ठीक है तो यहां पर जैन कौन सा है फिफ्थ टू क्रेडिटर्स अगर यहां पर आपको लिखना हो तो आप लिख देना जी आर नोट नंबर जी आर एन जीरो जीरो एट ये तुम्हारी मर्जी होती है ठीक है आ, दस हजार यूनिट नाइन नाइन थ्री जीरो ठीक है अभी ये बड़ा नंबर है फिर से नाइन नाइन थ्री जीरो एक दो तीन चार ओके अच्छा सुनो एक ट्रांजैक्शन अभी अभी ही कर लेंगे उसके बाद वेटेड एवरेज निकालते हैं ठीक है Uh, ध्यान से सुनना जरा प्लीज उसी दिन पे मटेरियल रिटर्न नोट जीरो जीरो थ्री फाइव हंड्रेड यूनिट्स रिटर्न यू रिटर्न बैक द गुड्स एट द सेम रेट एज यू हैड परचेज। तो फिफ्थ ऑफ जैन के अंदर ही इश्यूज के अंदर गुड्स बाहर जा रहे हैं फाइव हंड्रेड लेकिन प्लीज इधर कोई वेटेड एवरेज वगैरह नहीं निकालने का ठीक है प्लीज इधर कोई वेटेड एवरेज वगैरह नहीं निकालने का ओके इन दिस केस एवरेज निकालेंगे इस ट्रांजेक्शन के बाद फाइव हंड्रेड यूनिट 9.930 फोर नाइन 496500 ठीक है सुनो अभी रिटर्न के बाद ही वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं उससे पहले भी अगर निकालते ना कोई हर्ज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन वो चीज का कोई यूज नहीं होता क्योंकि आपको ये वाले के बाद ना आपको फिर से वेटेड एवरेज कॉस्ट यहां पर निकालना पड़ता क्योंकि यहां पे रिटर्न आया है ठीक है तो अभी जरा देखना मैं क्या करने जा रहा हूं तुमको लिखना हो तो लिख के रखना ये वाला फिगर कैसे आने वाला है जब भी नया परचेज होगा नया वेटेड एवरेज कॉस्ट आएगा बेटा नया परचेज तो हुआ ना इधर ओके सो देवपुर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर कुछ रेड के अंदर लिख रहा हूं तुम लोग भी लिखना ये वाला क्वांटिटी कैसे आएगा थर्टी शुरू में था दस हजार और परचेस किया पांच सौ रिटर्न कर दिया ठीक है तो ये वाली जो फिगर है ये कितनी आ जाएगी बेटा थर्टीन थाउजेंड बराबर और ये वाला जो अमाउंट है ये वाला जो अमाउंट है दैट विल बी दिस फिगर प्लस दिस फिगर माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर ठीक है तो ये अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा तो बोलते सर आपने तो बोला था कि जब भी आप परचेज करते हो नया बेरियड एवरेज कॉस्ट निकालो तो इसी के बाद बेरियड एवरेज कॉस्ट निकाल देने का था आप निकाल सकते हो तुमको थोड़ी देर में बता भी दूंगा एंड के अंदर अपने आंसर सेम ही रहेंगे लेकिन फिर क्या है ये इशू करने के बाद ना आप लोग फिर से वेरियड एवरेज कॉस्ट निकालना क्योंकि ये वाला इशू जो है ना ये इशू नहीं है दिस इज रिट रिटर्न ऑफ मटेरियल तो अगर यहां पर निकाल लेते हो ना तुमको कभी कभी तुम लोग गलत कर दोगे तुम लोग वाला रेट यहां पर लिख दोगे थिंकिंग इट एज अशू बट इट इज नॉट इशू इट इज मटीरियल रिटर्न इट विल हैपन एट एट द सेम रेट यू ऑल ठीक है तो अभी मेरा ये वाला जो इधर अमाउंट है ना दिस विल बी मैं हाईलाइट करके वो बोल रहा हूं एक सेकेंड दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी दिस प्लस दिस माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर ठीक है तो मैं वही अभी वो करने जा रहा हूं थ्री फोर थ्री थ्री फाइव अरे यार थ्री फोर थ्री थ्री फाइव थाउजेंड प्लस नाइन नाइन थ्री वन टू थ्री फोर फाइव लेस फोर नाइन सिक्स फाइव ट्रिपल ज़ीरो तो ये जो है दिस इज वन टू एट सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर एक मिनट छोटा छोटा लिखता हूं वन टू एट सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर ठीक है दिस डिवाइडेड बाय थर्टीन थाउजेंड नाइन एट नाइन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन टू डेसिमल अका ठीक है टू डेसिमल अका है? चलो ये वाला काम हो गया फिर उसके बाद को मटेरियल इशू हुआ है रेक्विशन नंबर इलेवन रॉ मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म करके आता है ना जब आप इशू करते हो तो ये थ्री थाउजेंड आ जाएगा कौन सी तारीख को बेटा सिक्स ऑफ जैन तो यहां पे लिख रहा हूं सिक्स ऑफ जैन यहां पे लिख रहा हूं वाई डब्ल्यू आई पी यहां पर लिख रहा हूं आर एम फॉर्म नंबर क्या है बेटा जीरो वन वन जीरो ठीक है uh, कितना यूनिट्स इशू हुआ है थ्री थाउजेंड ठीक है तो थ्री थाउजेंड यूनिट्स विल बी इशूड बेस्ड अपॉन योर मेथड योर मेथड इज नाइन एट नाइन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन दैट इज बेटेड एवरेज कॉस्ट सो थ्री थाउजेंड इंटू नाइन एट नाइन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन टू नाइन सिक्स नाइन थ्री जीरो सेवन जीरो ठीक है अच्छा तो यहाँ पर अमाउंट के अंदर सॉरी बैलेंस के अंदर ये बैलेंस है प्लीज मैंने पिछली बार से कॉपी किया तो पोपट हो गया मेरा वो तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा यार ठीक है चलो दस हजार बच गया माइनस वन टू एट सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर एट नाइन सेवन सिक्स नाइन थ्री जीरो सॉरी यहाँ थोड़ा सा वो छोटा छोटा वो होता जा रहा है डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड अप्रोक्सीमेटली वो उतना ही आता है जितना ऊपर वाला था ठीक है ये वाला रेट हम लोग वैसे भी नहीं लिखते अगर आप लोग को याद होगा तो आगे चले उसके बाद आ, सेवेंथ ऑफ जैन हम लोग सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इसका एंट्री तब पास होगा जब ये वाला ऑर्डर मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूनिट और मटीरियल इशूड इट इज रेक्विजिशन नो मटीरियल रेक्विजिशन फॉर्म मतलब मटीरियल इश्यू कर रहे हैं हम लोग ठीक है तो दिस इज टेंथ ऑफ जैन ठीक है टेंथ ऑफ जैन यहां पर भी बाई डब्ल्यू आई वी एक चीज जरा याद रखना जैसे ही मेरे को मटेरियल का रिक्वेस्ट आ जाएगा ना मैं मटेरियल इशू भी कर देगा बेटा ठीक है जैसे ही मटेरियल का रिक्वेस्ट आएगा मैं मटेरियल इशू भी कर देगा तो टेक्निकली आर एम रिक्वजिशन फॉर्म जब आता है ना इमिजिएटली आर एम इशू फॉर्म भी जनरेट हो जाता है क्योंकि फैक्ट्री ने अपने को बोला कि भाई मटीरियल वो दे दो उन लोगों को जरूरत है हम लोग तभी का तभी इशू कर देगा ठीक है अच्छा तो यहां पर आर एम रिक्वजिशन फॉर्म ये जीरो वन टू है क्या जीरो वन टू ठीक है कितना यूनिट्स बेटा इशू हो रहा है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑब्वियसली नाइन एट नाइन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन फोर थाउजेंड फाइव नाइन टू नाइन एट नाइन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन फोर फोर फाइव थ्री नाइन सिक्स जीरो फाइव ठीक है तो बच कितना जाएगा फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस अभी दिस माइनस दिस करो ना बेटा बी केयरफुल ऑफ द नंबर्स नंबर दर लार्जर नाइन एट नाइन सेवन सिक्स नाइन थ्री जीरो फाइव फोर फोर थ्री सेवन थ्री टू फाइव ठीक है चलो ये हो गया ये वाला काम ट्वेल्थ तारीख को अभी ये वाला जो ऑर्डर प्लेस किया था ना ये इस दिन डिलीवर हो रहा है ना ठीक है तो आज तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना यार उसका रेट ये देख लो एक मिनट मैंने बोथ लाइंस बना दी नाइन सेवन एट जीरो था ठीक है तो कौन सी एंट्री पे है बेटा ट्वेल्थ ट्वेल्थ तारीख सो दे फोर ट्वेल्थ ऑफ जैन टू क्रेडिटर्स दिस इज गुड्स रिसीविंग नोट नंबर कितना है जीरो जीरो नाइन जीरो जीरो नाइन ठीक है चलो अभी कितना यूनिट्स परचेज किया आप लोगों ने टेन थाउजेंड रेट नाइन सेवन एट जीरो टेन थाउजेंड नाइन सेवन एट जीरो एक दो तो तीन चार ठीक है अभी अप करेंगे फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इसको और इसको ऐड किया नया परचेज तो नया वेरिड एवरेज कॉस्ट लेकिन ये ट्रांजेक्शन करने से पहले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी देख लो मुझसे गलती हो गई कितना यूनिट्स रिटर्न किया बेटा चार सौ तो पहले वो भी रिकॉर्ड कर ले उसके बाद एक ही बार करना ठीक है तो कितना यूनिट्स रिटर्न कर दिया 400 यूनिट्स 400 यूनिट्स रिटर्न किया मटीरियल रिटर्न नोट कितना है ट्वेंटी जीरो जीरो फोर मटीरियल रिटर्न नोट एम आर एन जीरो जीरो फोर एक सेकेंड ना ये फाइव हंड्रेड वाले का भी लिख ही देता हूँ मटीरियल नोट जीरो जीरो थ्री था एम आर एन जीरो जीरो थ्री ठीक है अच्छा यू रिटर्न बैक द गुड्स एट द सेम रेट दैट यू हैड हैचेज फोर नाइन 9780 एट जीरो सो फोर हंड्रेड इंटू नाइन सेवन एट अच्छा अभी बैलेंस सुनो नया परचेज हुआ तो नया वेटेड एवरेज कॉस्ट नया वेटेड एवरेज कॉस्ट के लिए ये वाली क्वांटिटी कैसे मिलेगी दिस प्लस दिस माइनस दिस ठीक है सो टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड चाहो तो लिख लेना फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड कैसे आया बेटा दिस फिगर प्लस दिस फिगर माइनस जो रिटर्न हो गया ठीक है अभी अमाउंट आई एम टू बी सुपर केयरफुल आई एम वेरी बैड विद नंबर फाइव फोर फोर थ्री सेवन थ्री टू फाइव ठीक है प्लस नाइन सेवेंटी एट वन टू थ्री फोर फाइव माइनस थ्री नाइन वन टू ट्रिपल जीरो आ जाएगा वन फोर एट थ्री टू फाइव बाई गॉड छोटा छोटा लिखना पड़ेगा वन फोर एट थ्री डिवाइडेड बाय ये एक्सेल के अंदर मेरे को तुम्हारे साथ सॉल्व करना चाहिए था यार मेरा काम कम हो जाता चलो ठीक है, है? है वो हो गया अभी ट्वेंटी फोर्थ को दो रिक्वेजिशन है एक के नीचे एक एंट्री पास करता हूँ रिक्विजीशन थर्टीन फोर्टीन ठीक है सो दे फोर कौन सी तारीख को है बेटा फिफ्टीन और ट्वेंटी फोर्थ और ट्वेंटी फोर्थ ठीक है टू डब्ल्यू आई पी टू डब्ल्यू आई पी दोनों के अंदर आर एम form फॉर्म ज़ीरो वन थ्री आर एम रेक्वेजेशन फॉम ज़ीरो वन फोर बराबर ना जो मैंने लिखा है हाँ ट्वेंटी टू हंड्रेड

थ्री वन फोर फिफ्टीन हंड्रेड वन फोर सेवन थ्री फोर थ्री जीरो फाइव ठीक है अभी डेंजरस नंबर्स वन फोर एट थ्री टू फाइव थ्री टू फाइव आई एम सॉरी अगर तुम लोग को नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे तो माइनस टू वन सिक्स वन जीरो थ्री वन फोर One two six seven one five zero one one minus 1, 2 3, 3, 1, 1, one nine eight zero seven zero six fifteen one hundred minus two thousand two hundred twelve nine hundred minus fifteen hundred. फोर हंड्रेड वन 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 नाइन एट जीरो चलो अप्रोक्सीमेटली ये वाला फिगर भी इतना ही आता है स्मॉल चेक दैट आई एम डूइंग ताकि मैं करेक्ट ठीक है चलो ये वाला काम तुम्हारा हो गया आगे जी आर नोट ये दस हजार यूनिट जो है ये टेंथ वाला ऑर्डर था देखो ये वाला रेट एट विच यू एट परचेज नाइन सेवन फाइव जीरो सो दस हजार यूनिट ये कौन सी तारीख को है बेटा पच्चीस तारीख को टू क्रेडिटर्स गुड्स रिसीविंग नोट जी आर नोट नंबर जीरो वन जीरो है ना क्योंकि नाइन तक पहले था तो इसके लिए मेरे को पता चल गया ये नाइन था ना ये एट था तो गुड्स रिसीविंग नोट नंबर टेन ही होगा ठीक है अच्छा और कितना यूनिट्स परचेज किया बेटा टेन थाउजेंड मतलब जो आज आया है इन टू नाइन सेवन फाइव जीरो सो टेन थाउजेंड नाइन सेवन फाइव जीरो नाइन सेवेंटी फाइव एक दो तीन चार पाँच इसके ना कोई रिटर्न है क्या आगे नहीं रिटर्न नहीं है तो अपने को वो वाले चीज का कोई पंगा नहीं है इस पर ठीक है अभी नया परचेज किया तो नया बीरियड एवरेज कॉस्ट भी आएगा ट्वेंटी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस वन 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 नाइन एट जीरो सेवन जीरो सिक्स बहुत बड़ा नंबर टू जीरो नाइन फोर एट जीरो सेवन जीरो सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन फोर हंड्रेड ठीक है चलो ये वाला काम तुम्हारा हो गया अभी दो लास्ट रिक्वेजिशन एक सेकेंड एक सेकेंड मेरे को ना एक लाइन इधर नहीं दिखाई दे रहा था नहीं बराबर है 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 तो आ, ट्वेंटी एट और थर्टी फर्स्ट का दो दो ट्रांजैक्शन है ट्वेंटी एट और थर्टी फर्स्ट दोनों इश्यूज के ट्रांजैक्शन है ना मटेरियल रेक्वेजिशन सो दे फोर बाई डब्ल्यू आई पी बाई डब्ल्यू आई पी रिक्वेजिशन नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन होना चाहिए ठीक है तो आई एम राइटिंग ओबेयर आर एम रेक्विजिशन नंबर आर एम रेक्विजिशन फॉम जीरो वन फाइव आर एम रेक्विजिशन फॉम जीरो वन सिक्स ठीक है जीरो वन फाइव और जीरो वन सिक्स कितने कितने यूनिट्स के हैं बेटा फोर थाउजेंड और थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो ये इश्यूड है फोर थाउजेंड और कितना बेटा थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है ऑब्वियसली विल बी इशूड एट नाइन सेवन एट एट पॉइंट एट टू नाइन सेवन एट एट पॉइंट एट टू तो फोर थाउजेंड इंटू नाइन सेवन एट एट पॉइंट एट टू थ्री नाइन वन फाइव फाइव टू एट जीरो 3200 into nine seven eight eight point eight two three one three two four two 31324 hundred 4, fourteen thousand two hundred two zero nine four eight zero seven zero six माइनस दिस नंबर थ्री नाइन वन फाइव फाइव टू एट जीरो वन सेवन जीरो थ्री टू फाइव एक मिनट आप थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ वन सेवन जीरो थ्री टू फाइव फोर टू सिक्स माइनस थ्री वन थ्री टू फोर टू टू फोर वन थ्री नाइन डबल जीरो वन टू जीरो टू चलो तो ये हो गया तुम्हारा पार्ट फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने बहुत देर के बाद ही ऊपर देखा बाई गॉड सुनो योर पार्ट फर्स्ट इज ऑल टुगेदर डन प्रिपेयर एस एल सी अकाउंट ठीक है बुक कर लिया डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है तो डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक नो एक बार लिख देते हैं क्योंकि अकाउंट के अंदर अभी एग्जामिनर को कैसे बताएंगे तो so, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑन पर रुपीज थर्टीन लाइक अभी वो प्रोनाउंस थोड़ी देर में करता हूं दिस uh, This. 13 करोड़ 90 लाख 1202 के आसपास ठीक है चलो अप्रोक्सीमेशन इज ऑल ओके प्लीज अभी ये वाले पेज की मेरे को ऐसा कोई जरूरत नहीं है एक सेकेंड आप मैं एक दो पेज जरा वो डिलीट करता हूं बेटा एक सेकेंड बस ठीक है चलो ये हो गया तुम्हारा एक काम ठीक है योर दिस पर्टिकुलर वर्क इज डन अभी उसके बाद पार्ट टू पे आते हैं वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो दिस इज वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स यूज तो दिस इज कंजम्पन ठीक है तो so, क्या लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सेम वर्ड्स यूज करता हूं बेटा कॉम्पोनेट यूज ड्यूरिंग जैन 2022 यूज्ड मतलब कंज्यूमड होता है बेटा ओके okay, तो जो भी तुम्हारा कंजम्पशन हुआ कंजम्पशन तब होता है जब आप लोग इशू करते हो ठीक है तो जो भी इश्यूज की एंट्री थी ना वो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं जो भी डब्ल्यू वाली एंट्रीज थी ठीक है डब्ल्यू वाली एंट्रीज डब्ल्यू वाली एंट्रीज डब्ल्यू वाली एंट्रीज डब्ल्यू वाली एंट्रीज ठीक है डब्ल्यू आई पी वाली एंट्रीज और डब्ल्यू आई पी वाली एंट्रीज ठीक है ये सब का टोटल इज गोइंग टू बी योर आंसर ठीक है अभी तुम लोग ये वाला चीज लिखनी स्टार्ट करो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस ठीक है मैं बस यहाँ पे टोटल ही लिखने वाला हूं यहां पे ब्रैकेट में एक चीज लिख लेंगे टोटल ऑफ ऑल इशूज अमाउंट ठीक है तो आप लोग टोटल करना स्टार्ट करो तो मैं भी टोटल करना स्टार्ट करता हूं डेंजरस चीज़ें हैं ये टू नाइन सिक्स नाइन थ्री ज़ीरो सेवन ज़ीरो मैं मन में करता हूँ एट वन जीरो फाइव सिक्स सेवन नाइन एट ठीक है अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा ठीक है पार्ट टू का थर्ड रीऑर्डर लेबल अच्छा रीऑर्डर लेबल जो है वो कैसे कंप्यूट होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम ठीक है तो एक काम जरा करते हैं आ, अभी अपने को मैक्सिमम कंजम्पशन चाहिए रहेगा और मैक्सिमम लीड टाइम वो चाहिए रहेगा सुनो तो दिस इज पार्ट नंबर थ्री अभी जरा ध्यान से सुनना लीड टाइम अपने को यहाँ पर ना कैसे दिया हुआ है सुनो लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन यू ऑर्डरिंग एंड यू गेटिंग द गुड्स देख अपने पास ना यहां पे तीन इंस्टेंसेस होंगे ऑफ लीड टाइम कौन से तीन इंस्टेंसेस मैं तुमको हाईलाइट करके वो बोल देता हूं लीड टाइम ऑफ ऑर्डर नंबर एट नाइन एंड टेन मैंने बोल दिया ये वाला ऑर्डर देख लो इस दिन मेरे ख्याल से इनिशिएट हुआ था और अपने को ये वाला ऑर्डर इस दिन मिल गया तो आप लोग डेज का फर्क निकाल लो फिर उसके बाद जो नाइन्थ वाला था जो नाइन्थ वाला था वो इस दिन डिलीवर हो गया और एक जो टेंथ वाला था वो इस दिन डिलीवर हो गया तो अपने पास तीन लीड टाइम ही है बेटा तो इन्हीं तीनों के अंदर से अभी अपने को काम वो चलाना पड़ेगा ठीक है सो दे फोर यहां पर एम राइटिंग लीड टाइम ऑफ और थ्री ऑर्डर्स ठीक है लीड टाइम ऑफ और थ्री ऑर्डर्स ऑर्डर और नंबर जीरो ऐसे जी, करता हूं ऑर्डर नंबर जीरो जीरो एट जीरो जीरो नाइन जीरो वन जीरो ठीक है डेट ऑफ प्लेसिंग डेट ऑफ रिसीविंग और उसके बाद डिफरेंस इन डेज ठीक है तो अपने को यहां पर जो लीड टाइम वगैरह है वो मिल जाएगा तो ये वाला ऑर्डर प्लेस का भी क्या था फिफ्टींथ दिसंबर 2021 था ना है, ये वाला थर्टियथ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थर्टियथ दिसंबर 2021 थाउजेंड मिनट छोटा छोटा लिखने का था मेरे को सॉरी 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 हां ठीक है फिर उसके बाद यह वाला सेवन जैन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी 2022 जैन ये वाले ऑर्डर अपने को मिले कभी ये वाला फिफ्थ जैन 2022 को मिला फिफ्थ जैन 2022 फिर 30th दिसंबर वाला कभी मिला बेटा ट्वेल्थ ऑफ जैन 2022 12th of Jan ट्वेल्थ ऑफ जैन ठीक है उसके बाद आ, ये वाला कभी मिला ट्वेंटी फिफ्थ जैन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू 25 जन 2022 ठीक है अभी देख लेते हैं कितने दिन हो जाएंगे ठीक है तो 15 दिसंबर को ऑर्डर प्लेस किया अभी वन स्मॉल थिंग अगर फिफ्टींथ को काउंट कर रहे हो फिर फिफ्थ को मत काउंट करना सिंपल है अगर फिफ्टीन सुबह ऑर्डर प्लेस करोगे तो आई एस यूम फिफ्थ जैन सुबह मिल जाएगा सो so, दोनों में से एक दिन काउंट नहीं करना बस ठीक है जो एवरेज ड्यू डेट वगैरह के अंदर जैसे करते थे तुम लोग को वही चीज़ बोल रहा हूँ तो फिफ्टीन एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ को अगर ऑर्डर प्लेस किया और सत्रह को मिल गया तो तुम लोग क्या बोलोगे कि अपने को टू डेज के अंदर भी गॉट नो तो 17 माइनस फिफ्टीन ओके तो दो दिन के अंदर वो मिल गया मैं एग्जैक्टली exactly वही चीज कर रहा हूँ 17 माइनस फिफ्टीन विल बी टू एग्जैक्टली वही चीज तो फाइव माइनस सेवनटीन सॉरी ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन तो यहां पर कितना डेज हो जाएगा 18 डेज आगे 12 दिन जैन का और उसके बाद एक दिन दिसंबर का ठीक है तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक तेरह या आई गलती से ना 14 उठा लिया है ओके वो उनकी गलती है फिर उसके बाद यहां पर इन दिस केस 15 दिसंबर से लेके फिफ्थ ऑफ जैन तो जैन के पांच दिन हो गए और दिसंबर के थर्टी 31 16 से लेके 31 तक फिंगर टिप्स के ऊपर काउंट कर लो 16 दिन हो जाएंगे 16 दिन प्लस पांच दिन जैन के थर्ट तो ये हो जाएगा 21 वन अच्छा तो ये हो जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम लीड टाइम ये हो जाएगा मिनिमम लीड टाइम आईसी ने बाला 14 ले लिया है वो उनकी गलती है ठीक है अच्छा अभी एक पंगा है एवरेज लीड टाइम का टेक्निकली मेरे हिसाब से एवरेज लीड टाइम ना वुड हैव बीन फार बेटर अगर हम लोग ऐसे करें दिस प्लस दिस प्लस दिस देर आर थ्री ऑर्डर डिवाइडेड बाई थ्री दैट इज स्टिल बेटर मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बोला था ऐसा होना ही नहीं चाहिए जो आई करता है टेक्निकली वो गलत है वो लोग क्या करता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन टू टेक्निकली उन लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए ठीक है एवरेजली टाइम मतलब यूजुअली कितने टाइम के अंदर तुम लोगों को गुड्स मिल जाएंगे एग्जाम्पल मैंने तुम्हारा कॉस्टिंग का टेस्ट लिया एक बच्चे को सौ मिला एक बच्चे को वन मार्क मिला इज एवरेज मार्क्स दैट अ स्टूडेंट गॉट फिफ्टी पॉइंट फाइव नो बेस्ट वे टू गेट दिने लोगों ने एग्जाम दिया उनके मार्क्स का टोटल करो डिड बाई दंबर ऑफ स्टूडेंट तो टेक्निकली वैसे ही होना चाहिए थीके? मैं डेफिनेटली वो वाला काम कर रहा हूं जो आईसी ने किया बट आई विल हंड्रेड परसेंट गिव अ नोट बिकॉज आई डू नॉट एग्री टू इट तो यहां पर एवरेज लीड टाइम एवरेज लीड टाइम इज ट्वेंटी वन प्लस थर्टीन अपॉन टू तो ट्वेंटी वन थर्टी फोर दिस इज सेवेंटीन डेज ऑल दो आईसी ने यहां पर फोर्टीन दिया है तो उनका वो वाला कैलकुलेशन भी रॉन्ग ही है यहां पे लिख देना ऑल्टरनेटली एवरेज लीड टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज ट्वेंटी वन प्लस लेकिन क्या है आईसी को कई लॉजिकल चीजें ना जिंदगी में समझ भी नहीं आई इसलिए वो लोग ऐसा नहीं करते जो उनको करना चाहिए द द आई थिंक पीपल हु मेक मॉड्यूल्स वो लोग लो इन रियल लाइफ कुछ काम नहीं करते तो दिस इज बेटर आंसर ऑल दो दिस इज आईसी यहां पर उन लोगों ने गलती कर दी है वो भी अलग बात है उन लोगों ने यहाँ पर गलती से दोन ठीक है प्लीज डेज काउंट कर लेना इट्स वेरी सिंपल थिंग ओके तो उसके ना मेरे ख्याल से तुम लोगों को कोई डाउट वगैरह नहीं आना चाहिए अच्छा ये हो गया तुम्हारा लीड टाइम ठीक है अभी उसके बाद कंजम्पशन अपने को वो करना चाहिए अच्छा लीड टाइम डेज के अंदर है तो अपने को कंजम्पशन भी पर डे ही कंप्यूट करना चाहिए सुनो अभी ध्यान से मेरी बात सुनना यहां पर भी एक्चुअली आई कैन गो ऑन एंड ऑन नो टू ट्राई टू क्रिटिसाइज द इंस्टीट्यूट एड लॉट

क्विशन नंबर रिक्वेजिशन नंबर रिक्वेजिशन नंबर दीज आर इन दिस पर्टिकुलर केस इशूज दैट आर देयर नाउ आई अज्यूम दैट एंड इज वॉटर एक्चुअली इंस्टीट्यूट डिड बट देट रोट अट देूम आई अज्यूम दैट जो रॉ मटीरियल इशू हुआ वो उसी दिन सारा का सारा कंज्यूम हो गया तो तीन हजार यूनिट हम लोगों ने सिक्स ऑफ जैन को इशू किए वो उसी दिन कंज्यूम हो गए फिर उसके बाद को साढ़े चार हजार यूनिट इशू किए वो फैक्ट्री ने उसी दिन कंज्यूम कर लिए ठीक है In this case, no, ये वाला चीज हमारे लिए शायद मस्ट हो जाएगा टू ट्राई टू राइट डाउन दी आंसर ऑफ द बोलता बोलते सर तो जरा सोचो ना छह तारीख को इशू किया दस तारीख को इशू किया तो सर बीच में सात आठ नौ को रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ी शायद फैक्ट्री तभी दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहा था जिसके लिए ये वाला रॉ मटेरियल नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि यूजुअली क्या होता है फैक्ट्री के पास स्टोरेज की जगह नहीं होती वो लोग तभी रॉ मटेरियल मांगता है जब उनको प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है ठीक है वरना वो लोग मटेरियल नहीं मांगते सो इट इज लॉजिकल फॉर अस टू बी अज्यूमिंग दैट Whenever the material is issued, it is consumed on the same day. But I am giving you this particular note. Here you assumption. Write down. It is assumed that as soon as the raw material is issued, to the factory comma it is consumed it is consumed aage bold italics capital likhna, it is consumed on the same day it is consumed on the same day ठीक है सुनो तो अभी ना मैं जो भी कंज़म्पशन हो रहा है मैं उसका यहां पर एक समरी बना दिया है जो भी देखो मैंने ब्लू के अंदर मार्क किया था ना वो सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दी है दीज आर द यूनिट्स कंज्यूम्ड पर डे ठीक है ये वाला चीज वो लिख लेना तो छह बार वो इशू किया ना छह बार इशू किया तो ये छह फिगर्स लिख दिया इसके ने से मैक्सिमम भी लिख दिया और उसके बाद मिनिमम भी लिख दिया ये कॉपी कर लो और तुमको अभी इसके बाद समझ में खुद खुद ही आ जाएगा सर आईसी ने एक और गलती भी किया रहेगा दे आर चैंपियंस इन डूइंग द गलती सर वो लोग चैंपियन है चैंपियन ये कर लो तो ये मैक्सिमम कर लिया मिनिमम कर लिया अभी एवरेज तुम लोगों को समझ में आएगा आईसीए ने कैसे कंप्यूट किया रहेगा एवरेज कंजम्पशन पर डे इज इक्वल टू फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड यूनिट ये आईसीए का सोल्यूशन होगा लेकिन अभी तुम्हारी अक्कल जाग चुकी है क्योंकि मैंने तुम लोग को पढ़ा है Obviously, this is a wrong way to be computing average. Average consumption per day कैसे निकालना चाहिए Sir, so, total of all these particular things divided by the number of ob or divided by the number of observations average वैसे ही निकालना चाहिए तो so, यहां पर जैसे पिछली बार लिखा था अभी अभी भी वही लिख रहा हूं Alternately, average consumption per day कैन बी कैलकुलेटेड एज पिछली बार भी लिखा था इट इज अ बेटर आंसर हाँ बेटर आंसर एज थ्री थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस ट्वेंटी टू हंड्रेड प्लस पंद्रह सो प्लस चार हजार प्लस तीन हजार दो सो डिवाइडेड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है बेटा सिक्स बेटर कभी रियल लाइफ के अंदर ये सारे काम करोगे ना तुमको ये चीज़ों का कभी डाउट भी नहीं आएगा अभी इंस्टीट्यूट ने ये वाली चीज़ है कभी रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट वो नहीं किया हुआ दैट इज वाई अ प्रॉब्लम विद देम ओके सुनो बस आई थिंक वी ऑल हैव एंटायर डेटा विद एंड नाउ इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी तो आर ओ एल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इन टू मैक्सिमम लीड टाइम तो मैक्सिमम कंजम्पशन 4500 यूनिट्स था पर डे करेक्ट और मैक्सिमम लीड टाइम बेटा कितना था 21 डेज तो 4500 फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेंटी वन फोर ठीक है आगे और क्या क्या पूछा हुआ बेटा मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल दिस इज पार्ट फोर्थ मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू दो लाइन छोड़ के मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है आर ओ एल माइनस अच्छा मैक्सिमम पॉसिबल स्टॉक लेवल उसका फॉर्मूला क्या होता है आर ओ एल माइनस अगर तुमको मैक्सिमम स्टॉक चाहिए कंज्यूम मिनिमम एंड थिंक दैट सप्लायर विल कम इन मिनिमम लीड टाइम प्लस ऑब्वियसली ही विल ब्रिंग इन द स्टॉक एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट इज आर ओ क्यू मिनिमम आर ओ एल का फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम डिजायरेबल स्टॉक लेवल तो यूजली जो होता है दैट इज एवरेज कंजम्प्शन इन टू एवरेजलीउर नाइनटी फोर फाइव हंड्रेड माइनस माइनस मिनिमम कंजम्पशन फिफ्टीन हंड्रेड एवरेज कंजम्पशन थ्री थाउजेंड इनटू मिनिमम लीड टाइम मिनिमम लीड टाइम कितना था बेटा थर्टीन डेजी ने फोर्टीन लिया है ठीक है एवरेज लीड टाइम इंस्टीट्यूट को कितना लेना चाहिए था सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री लेकिन उन लोगों ने सेवनटी लिया है. प्लस अच्छा एक चीज तो बोलो रीऑर्डरिंग क्वांटिटी मेरे को बोलो एक बारी में कितना यूनिट्स ऑर्डर करता है बेटा टेन थाउजेंड तीन बार वही वाली क्वांटिटी ऑर्डर की ना दैट इज योर आर ओ क्यू ठीक है सो दे आर फोर फिफ्टीन हंड्रेड इंटू थर्टीन नाइनटीन फाइव हंड्रेड एटी फाइव थाउजेंड यूनिट थ्री थाउजेंड इंटू सेवेंटीन माइनस नाइनटी फोर फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री 500 यूनिट्स सिक्स लास्ट पार्ट फाइनली इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना यहां पे हम लोगों ने मेरे ख्याल से सभी कुछ कर लिया ओके वट एवर वॉज पॉसिबल वी ऑल हैव डन इट यार तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो कैसे कंप्यूट होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ठीक है ये चीज तुम लोग डेज के अंदर भी निकाल सकते हो वो कुछ कंपलसरी नहीं है लेकिन मैं टाइम्स के अंदर निकाल उसके बाद डेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे दैट्स ओके okay. देखो ये वाला फिगर हम लोगों ने लिखा था मैं अभी ये चीज लिखने के लिए जाएगा पचास बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा कॉपी पेस्ट करता हूँ िस इज रॉ मटीरियल कंज्यूम नो कंज्यूम मतलब यू यूजी होता है दिस डिवाइडेड by एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ material. एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड by टू ठीक है तो ओपनिंग अभी ये अगेन मेरे को दिक्कत है कॉपी प्लस क्लोजिंग 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 ये है बेटा तुम लोग लिखो आप प्लीज तो ऑब् तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ऑप्शन भी क्या है डिवाइडेड बाय टू तो वन एट वन जीरो फाइव सिक्स सेवन नाइन एट

2.089 टाइम्स और 365 डिवाइडेड बाय 2.089 इज इक्वल टू 174.7 डेज अगर आप लोगों को डेज के अंदर चाहिए तो ठीक है जस्ट डेट दैट ताकि अगर ठीक है यू कैन डू दैट ये चीज करना इज नॉट मस्ट वो तुम्हारी मर्जी होती है ठीक है आई जस्ट डेड इट क्योंकि वो एक ही सेकेंड लगता है ठीक है चलो फाइनली ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू नो द बेस्ट क्वेश्चन दैट ऑल हैड